शिवसेना के स्थापना दिवस पर एक बार फिर भिड़ेंगे एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे। शिवसेना का स्थापना दिवस एक है लेकिन आयोजन हो रहे हैं दो। मैं फिलहाल मुंबई के कलानगर बांद्रा इस इलाके में हूँ। यहाँ पर जैसे कि आप सब जानते हैं कि उद्धव ठाकरे जी का निवास स्थान है, यहाँ पे वो अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं, कई सारी बैठकें यहाँ पे होती हैं, लोग इनसे यहाँ पे मिलने आते हैं। बाला साहब ठाकरे जी भी यहीं पर रहते थे। इस बीच आज स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस के मौके पर उद्धव ठाकरे जी ने कल राज्यव्यापी पदाधिकारी बैठक रखी थी। सभी जो उनके कार्यकर्ता है, सभी नेता है, पदाधिकारी है, देश भर से इस बैठक में आए थे। लेकिन आज स्थापना दिवस है और ये स्थापना दिवस एक होने के कारण भी जो आयोजन है दो हो रहे हैं। जैसे कि मैं आपको अब तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये तस्वीर है, पोस्टर लगाए गए हैं। जैसे कि ये जो स्थापना दिवस है वो उद्धव ठाकरे के द्वारा तो मनाया ही जाने वाला है, लेकिन शिवसेना शिंदे गुट द्वारा भी आज ये दिन स्थापना दिवस मनाया जाने वाला है, जो कि गोरेगांव के नेस्को सेंटर में मनाया जाने वाला है। और इसी कारण से इस इलाके में जहाँ पे उद्धव ठाकरे का निवास स्थान है, जहाँ पे वो रहते हैं, वहाँ पर पोस्टर्स लगाए गए हैं और पोस्टर्स में ये कहा गया है कि लीग ऑफ टाइगर्स यानी कि जो शेरों की लीग है वो अब निकली है गोरेगांव। जिस तरीके से ये पोस्टर बाजी हो रही है, इस बीच कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि ये आयोजन किस तरह से होगा, क्योंकि एक दिन इसी दिन पे शिवसेना का स्थापना हुआ था और जिस तरीके से पिछले साल शिवसेना टूटी थी, एकनाथ शिंदे 40 विधायकों के साथ जब पार्टी से बाहर गए थे, उसके बाद उन्होंने ये दावा किया था कि शिवसेना उनकी शिवसेना असली शिवसेना है, जिसके बाद चुनाव आयोग के पास हो गया और चुनाव आयोग ने शिवसेना को, शिंदे गुट के शिवसेना को असली शिवसेना करार कर दिया था। हालांकि जो नाम था वो उद्धव गुट का चेंज हुआ था, जो कि शिवसेना उद्धव बाड़ासाहेब ठाकरे हो गया था और उनका जो चुनाव चिन्ह भी था वो भी बदल गया था। इस बीच ये पहली बार हो रहा है शिवसेना के इतिहास में जहां शिवसेना का स्थापना दिवस दो अलग अलग पार्टी, दो अलग अलग पक्ष और कई सारे कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर मनाने जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वाघ निगाले गोरेगावला, यानी कि कहा जाता है कि जो बाला साहब ठाकरे जी थे या फिर जो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी है वो शेर है, लेकिन पोस्टरबाजी में कहीं ना कहीं ये संदेश दिया गया है कि ये जो शेर है अब गोरेगांव गए हैं, तो आप सब गोरेगांव आइए, इस तरीके का यहाँ पे संदेश दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं केवल यही नहीं लेकिन पूरे शहर में आज इस स्थापना दिवस का जश्न मनाया जाने वाला है, पूरे शहर में पोस्टर्स देखे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक विचलित तस्वीर ये भी नजर आ रही है कि जिस तरीके से सिर्फ वर्धापन दिवस, ये जो स्थापना दिवस है वो केवल शिंदे गुट ही नहीं लेकिन उद्धव गुट भी मनाने जाने वाले हैं। आपको बता दें कि ये जो उद्धव गुट द्वारा कल राज्यव्यापी पदाधिकारी बैठक रखी गई थी, वो पहली बार शिवसेना पार्टी टूटने के बाद इतने बड़े पैमाने पर रखी गई थी, जहां पर देश भर से सभी कार्यकर्ता, देश भर से सभी नेता और पदाधिकारी आए थे। उन्होंने कल के इस बैठक में कई बातें कही, कई बातें जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं, और साथ ही जो देश में फिलहाल चल रहा है इसके चलते उन्होंने कई मुद्दों पर बातें की, साथ ही आदित्य ठाकरे कहे या फिर संजय राउत कहे, और शिंदे गुट पे भी उन्होंने तंज कसा, जिसके बाद आज स्थापना दिवस है और आज भी उद्धव ठाकरे एक जगह जो कि षणमुखानंद हॉल है वहां पे बात करेंगे, वहीं एकनाथ शिंदे नेस्को में बात करेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे, और स्थापना दिवस पे वो अपनी जो उनके मान्यता है शिवसेना पार्टी को लेकर वो लोगों को संबोधित करेंगे, और स्थापना दिवस दो अलग अलग जगहों पे इस मुंबई शहर में मनाया जाएगा।